दिल्ली की जंतर मंतर पर धरना दे रही महिला पहलवानों के विरोध के बीच कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह ने रहीम का दोहा सुनाया है। मंदिर दर्शन को अयोध्या पहुंचे ब्रिजभूषण के सवालों पर कहा कि क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। उन्होंने कहा कि मैं अदालत के फैसले को स्वीकार करता हूं और उस पर मुझे भरोसा है। ब्रिजभूषण शरण सिंह ने कहा कि मेरा अयोध्या का कार्यक्रम पहले से तय था। अयोध्या में अपने गुरु भाई महंत गया है, मेरा स्वभाव है बच्चों के भविष्य को सुधारने का काम करता रहूंगा। मेरा किसी से कोई द्वेष और बैर नहीं है, मैं किसी से कोई बदला भी नहीं लेना चाहता हूं, मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। देखिए, ये आज अयोध्या का कार्यक्रम मेरा पहले से तय था और उसी के तहत आज सब संत स्थानों का दर्शन करते हुए मैं अपने गुरु भाई महंत ज्ञानदास जी का आशीर्वाद लेने आया हूं और यहां से निकल रहा हूं। आप सब लोग जानते हैं अयोध्या में मेरा बचपन बीता है, हनुमान जी में मेरी प्रमुख आस्था है, लेकिन ये कार्यक्रम पहले से तय था। जहां तक आपको बहुत जिज्ञासा है, मैं इतना कहना चाहता हूं, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात का रहीम प्रभु क्या घट्यो, क्या रहीम प्रभु क्या घट्यो जो भृगुमारी लात। जिसका जो स्वभाव है, मेरा स्वभाव है मानव कल्याण का, मेरा स्वभाव है समाज कल्याण का, मेरा स्वभाव है बच्चों को भविष्य सुधारने का। मैं अपना काम करता रहूँगा और जिसको जो करना हो करता रहे, और मुझे किसी से न द्वेष है, न कोई बैर है, न कोई भाव है, न बदला लेना है। बस न्यायपालिका पर भरोसा है, न्यायपालिका ने निर्णय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। बीजेपी सांसद ने कहा कि जहां तक आपको जिज्ञासा कि मैं ये कहना चाहता हूं कि क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पाद का हरि घाट्यो जो भृगुमारी लात। जिसका जो स्वभाव है वो मेरा स्वभाव है, बच्चों के भविष्य को सुधारने का काम करता हूं, मुझे ना किसी से कोई द्वेष है, ना बैर है, ना कोई भाव है और ना ही किसी से कोई बदला लेना है। हालांकि ब्रिजभूषण शरण सिंह को लेकर के पहलवानों का आक्रोश लगातार बढ़ता ही जा रहा है। यही कारण है कि देश के तमाम राजनीतिक दलों ने जंतर मंतर पर पहुंचकर धरने पर बैठे पहलवानों को अपना समर्थन दे दिया। इसके नाते से एक बार फिर से मामला तूल पकड़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से अब सीधा सीधा आरोप केंद्र की मोदी सरकार पर लगाया जा रहा है। बावजूद इसके केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से इस मामले पर अभी तक कोई दखल नहीं दी गई है। यही कारण है कि एक बार फिर से सवालों के घेरे में केंद्र की मोदी सरकार है। देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से इस मामले पर सियासी बवंडर उठने शुरू हो गए हैं और तमाम राजनीतिक दलों के तरफ से सरकार पर निशाना साधा जा रहा है, उसके बाद सरकार की तरफ से क्या प्रयास किया जाता है। वीडियो डेस्क अमर उजाला .com।